तो यहाँ पे अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही अगर आप मतलब जो है फोन पे में एक से अधिक बैंक यूज करते हो, यानी कि दो या तीन बैंक आपके पास है और वो सारा का सारा बैंक आपने फोन पे में ऐड कर रखे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसके कारण जो है मेरा खुद का कुछ पैसा जो है फंस गया है, और मतलब वो डूब गया, वही समझो मतलब वो डूब गया है। और साथ ही मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं यहाँ पे सेम प्रॉब्लम जो है काफी लोगों को देख रहा हूँ फेस कर रहा है। तब जाके मुझे लगा कि यार चलो इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, ताकि मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो कि सेम प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा है, तो वो जो है इस प्रॉब्लम से बच सके। तो यहाँ पे अगर आप जो है फोन पे इस्तेमाल करते हो और एक से अधिक बैंक यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको मतलब कुछ सीखने को अगर मिलता है ना, उस टॉपिक के बारे में अपने दोस्तों को या फ्रेंड को बताइए जो कि सेम फोन पे इस्तेमाल करते हैं और वो भी जो है एक से अधिक बैंक यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो बनाने का टॉपिक मुझे कहाँ से मिला, मैं सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक लड़के ने मुझे बोला कि यार मुझे कुछ पैसे सेंड करो फोन पे, और उससे पहले उसके पास जो है एक पंजाब नेशनल का बैंक था जो कि मतलब उसका KYC नहीं हुआ था, उसका KYC मतलब जो है खत्म हो गया था, जिसके वजह से वो अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका था। तो मतलब उससे वो परेशान होकर यहाँ पे मतलब वो एक और अकाउंट ओपन करवाया, जो कि मतलब अकाउंट ओपन भी सक्सेसफुली हो चुका था और वो जो है उस अकाउंट को फोन पे में भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस लड़के को फोन पे के बारे में या गूगल पे के बारे में, यानी कि UPI के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और काफ़ी ऐसे लोग इंडिया में है जिसको मतलब जो है UPI के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, और उसके बावजूद भी मतलब जो है फोन पे गूगल पे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो सक्सेसफुली मतलब जो है रजिस्टर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम तब हुआ जब मैं उसको पैसे सेंड किया। तो मतलब जैसे मैंने उसको पैसे सेंड किया तो पैसे जो है उसके उस अकाउंट में चला गया जो अकाउंट उसका फ्रीज था, यानी PNB का अकाउंट था जो कि फ्रीज हो चुका था KYC की वजह से। तो जो पैसा है उस अकाउंट में चला गया, और उसके बाद जो है वो बैलेंस चेक किया, मतलब जो नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया था उसका बैलेंस चेक किया, तो बोला कि भाई पैसा तो आया नहीं है। और वो मुझसे जो है बहस करने लग गया कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवाया था तो पैसा जो है मेरा इस बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तब जाके दोस्तों मैंने उसका जो फोन पे चेक किया तो वहाँ पे जो है प्राइमरी में वही बैंक सेलेक्ट था जो बैंक फ्रीज हो चुका था। तब मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो समझने के लिए राजी नहीं हुआ। वो बस एक ही बात बोल रहा था कि मैं यहाँ पे नया बैंक ओपन किया था और मैं उसी बैंक से फोन पे चला रहा हूँ। हालांकि उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे प्राइमरी में जो है कौन सा बैंक सेलेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन टॉपिक यही है कि आप मतलब जो है एक से अधिक बैंक इस्तेमाल करते हो और आपके पास मतलब जो है 3 से 4 बैंक फोन पे में ऐड है, तो वहाँ पे जो प्राइमरी अकाउंट है वो आपको 100% सेलेक्ट कर लेना है। चाहे आप मतलब जो है कितने भी दिन से फोन पे इस्तेमाल करते हो, डजन मैटर, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है आपके साथ धोखा हो सकता है। धोखा का मतलब यही है कि मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक है जिसका ATM कार्ड नहीं है, या मतलब जो है ATM कार्ड एक्सपायर हो चुका है, या मतलब जो है KYC एक्सपायर हो चुका है, और उस सिचुएशन में अगर आप उस बैंक को जो है प्राइमरी में सेलेक्ट करते हो तो कोई अगर आपको पैसा भेजता है तो पैसे उस बैंक अकाउंट में चला जाता है, जो कि मतलब उसको वापस लाने में काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि पैसे वापस आ जाता है, लेकिन अगर आप इसी से बचना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको जो है प्राइमरी अकाउंट समय समय पे चेक करना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है वो कौन सा है। और जो आपको लगे कि मतलब हाँ ये मेरा अकाउंट अच्छा है, मैं इस अकाउंट में मतलब जो है पैसे लाना चाहता हूँ, तो आपको प्राइमरी में वही अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ कभी कोई घटना हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मतलब मैं इसको पहले ही क्यों नहीं ठीक कर लिया। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ खुद कितने बार ये प्रॉब्लम हो चुका था, जैसे कि मेरा एक खुद का बैंक अकाउंट था और उसका KYC एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फोन पे में मतलब प्राइमरी में वही बैंक सेलेक्ट था, और वहाँ पे दोस्तों पैसा किसी ने मुझे सेंड किया था फोन पे पे, और वो पैसा जो है मेरा उसी बैंक अकाउंट में चला गया जिसका KYC मतलब जो है डीएक्टिवेट हो चुका था। हालांकि मैंने उसको ठीक कर लिया था, KYC करवा के पैसे निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत केस में ऐसा होता है ना कि पैसे मुझे अभी का अभी चाहिए होता है, और कोई मुझे पैसा सेंड करता है और उसके बाद जो है वो पैसा फंस जाता है ना, तो उस समय मतलब जो प्रॉब्लम होता है, जो मतलब दिमाग में जो मतलब टेंशन होता है ना, तो मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। और उस समय मतलब जो है आपको खुद पे गुस्सा आएगा कि यार मैंने इसको ठीक क्यों नहीं किया था पहले। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हो और एक से अधिक बैंक इस्तेमाल करते हो, तो प्राइमरी में आपको वही बैंक सेलेक्ट करना चाहिए, वही बैंक रखना चाहिए जो कि आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि वो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए सिंपली आपको जो है फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपने लोगो पे क्लिक करना है, और जैसे उस लोगो पे क्लिक करोगे प्रोफाइल वाले पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको जो है बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और जैसे आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में 4 बैंक है,
तो यहाँ पे जो मेरा पीएनबी है जिसको मैं प्राइमरी सेट कर रखा हूँ, तो यहाँ पे होगा ये कि जो भी मेरा फोन पे मतलब पैसा भेजेगा ना, तो पैसे मेरे इसी अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। और यही मतलब जो है, अगर आपको चेंज करना होगा तो मतलब मान लीजिए कि आप नीचे वाले को जो कि मेरा SBI का है, तो मैं इसको प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उस पर क्लिक करूंगा। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेट एज प्राइमरी का ऑप्शन है, और यहाँ पे मतलब एक डॉट आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इसको टिक कर देना है। और जैसे आप इसको टिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, तो मतलब आप इसको चेंज करना चाहते हो, श्योर हो? तो हाँ मैं श्योर हूँ, तो सिंपली हमको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो है मेरा SBI है ना, ये प्राइमरी अकाउंट हो चुका है, और कोई पैसे भेजेगा तो मेरा इसी अकाउंट में आएगा। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि आपको मतलब जो है फोन पे में कौन सा वो सेटिंग है जो कि करके हमेशा रखना है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप जान गए होंगे, और आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, यहाँ पे मतलब जो है, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं भी करना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन इसके बारे में ना अपने दोस्तों को जरूर बताओ, ताकि मतलब जो है उसके साथ प्रॉब्लम ना हो।